नमस्कार बच्चों, आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत एकल अथवा इकाई अथवा उत्पादन लागत लेखांकन की गणना कैसे की जाएगी मैं वो आज आपको बताएँ। इसके अंतर्गत हम आज आपको बताएंगे बेचे गए माल की गणना कैसे करेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे वो मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित सूचनाओं से बेचे गए माल की गणना करो, यानी कि जो ये सूचनाएं दी गई है तो हमें इसमें क्या निकालना है, बेचे गए माल की हमें गणना करनी है। तो किस तरह करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन में आइटम्स दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल कंज्यूम है कितना इसमें अमाउंट दिया हुआ है, 25,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है इनडायरेक्ट वेजेस, जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो कितना अमाउंट इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कितना अमाउंट दिया हुआ है, 30,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, एब नॉर्मल आइडल डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये दिया हुआ है। रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, 8,000 रुपये दिया हुआ है। सैलरी ऑफ फोरमैन, जो सैलरी ऑफ जो फोरमैन दिया हुआ है कितना हमने इसमें व्यय किया है, 5,000 रुपये व्यय किया है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो कितना हमने व्यय किया है, 2,000 रुपये व्यय किया है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 2,000 रुपये किया है। हाउलेज कितना हमने व्यय किया है, 1,000 रुपये व्यय किया है। ड्राइविंग ऑफिस सैलरीज कितना हमने किया है, 1,500 रुपये किया है। वर्कमैन कंपनसेशन कितना किया है, 5,000 रुपये किया है। ऑफिस सैलरी हमने कितना किया है, 7,500 व्यय किया है। लेबर एक्सपेंसेस हमने कितना व्यय किया है, 1,000 किया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि तैयार माल कितने अमाउंट का है हमारे, 3,000 रुपये का है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का है, 2,000 रुपये का। तो इस तरह से इसमें एक क्वेश्चन में ये आइटम दिए गए हैं, इन्हीं आइटमों के आधार पर हम बेचे गए माल की गणना करना है, यानी कि वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की गणना कैसे करेंगे वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, लिख दिया। ठीक है, तो क्या हम निकाल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड, जो मटेरियल हमने प्रयोग किया है, जो हमने मटेरियल प्रयोग किया है कितना किया यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पर, मटेरियल कंज्यूम्ड 25,000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस, जो प्रत्यक्ष श्रम है, यहाँ पे हमने कितना उसमें व्यय किया है, डायरेक्ट वेजेस 30,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपये। लेस एब नॉर्मल आइडल टाइम्स, जो एब नॉर्मल हमारा है, जो आइडल टाइम्स है वो कहाँ पे है यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे, एब नॉर्मल आइडल टाइम्स, यानी कि एब नॉर्मल आइडल डायरेक्ट वेजेस, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट वेजेस से हम इसको लेस कर देंगे। तो जो हमने 30,000 में 2,000 लेस कर दिया तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 28,000 रुपये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगी, रॉयल्टी, जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी यहाँ पे क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया गया हुआ है, 8,000 रुपये, तो हमने इसको 8,000 लिख दिया। तो मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस 28,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये, इन तीनों जब हम आइटम को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी, 61,000 रुपये। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए तो हमने क्वेश्चन के आधार पे क्या किया, यहाँ पे लिखा है मटेरियल कंज्यूम लिखा है 25,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस प्रत्यक्ष जो श्रम है कितने के हैं, 30,000 के हैं। लेस अगर क्वेश्चन में एब नॉर्मल आइडल टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, तो हम इसको डायरेक्ट वेजेस से इसको लेस कर देंगे,
तो 30 में जब हमने दो लेस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी के क्वेश्चन में कितना अमाउंट दिया हुआ है, 8,000 रुपये, हमने 8,000 रुपये दिए। इस तरह से 25,000 रुपये, 28,000 रुपये और 8,000 रुपये, इन आइटमों को जब हमने जोड़ा है तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्राइम कास्ट। तो हमारी प्राइम कास्ट कितनी निकल के आ गई, 61,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। जो अब ये रॉ मटेरियल का कंज्यूम हो गया, अब ये माल कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत जाएगा। अब ये माल जो रॉ मटेरियल हमारे पास आएगा वो कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत। वहाँ पे जो भी वहाँ पे काम होगा वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमने उसका क्या हेड लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट वेजेस, यानी कि अप्रत्यक्ष श्रम। जो इनडायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ, ये 5,000 रुपये, क्योंकि जो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत होती है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस होगा वो मटेरियल कंज्यूम के साथ हम प्रयोग करते हैं डायरेक्ट वेजेस, और इनडायरेक्ट जो वेजेस होता है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड के खाने में दिखाते हैं। क्योंकि जो अप्रत्यक्ष श्रम है वहाँ पे प्रत्यक्ष कौन काम कर रहा है, मशीनें काम कर रही हैं, उसके साथ लेबर क्या है, सहयोग कर रहा है। तो जो इनडायरेक्ट वेजेस होगा वो हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत दिखाते हैं। तो इसमें कितना अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, सैलरी ऑफ फोरमैन, जो सैलरी ऑफ फोरमैन यानी मशीनों की जो देखभाल करते हैं, जो हमारे पास जो करते हैं, वो कितने की यहाँ पे दिया हुआ है, 5,000 रुपये। तो हमने इसको यहाँ पे सैलरी ऑफ फोरमैन हमने यहाँ पे 5,000 रुपये दिखा दिया। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस ये कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 2,000 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 2,000 रुपये दिखा दिया। क्या दिखाया, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 2,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन के आधार पे है हाउलेज, हाउलेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये 1,500 रुपये दिया हुआ, तो हमने इसको 1,500 दिखा दिया है। ठीक है, ड्राइविंग ऑफिस सैलरीज, ड्राइविंग ऑफिस सैलरीज कितना है यहाँ पे दिया है, 2,500 रुपये दिया हुआ, तो ये 2,500 दिखा दिया हमने। वर्कमैन कंपनसेशन, जो वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है, ये 5,000 रुपये दिया हुआ है, तो हमने 5,000 रुपये। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत क्वेश्चन के आधार पे जो क्वेश्चन में आइटम्स दिए हुए हैं उसी आधार पे हमने क्या किया है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत जो भी आइटम्स आते हैं हमने उनको उन कालमों में लिख दिया है। तो जब हमने फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत रखा है तो ये इस तरह का आ गया। अब ये फैक्ट्री ओवर के अंतर्गत जो भी ये आइटम्स हैं जब इनको हमने जोड़ा है तो ये कितना आ गया, 21,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत अब हम क्या करेंगे, प्राइम कास्ट हमारा कितना, 61,000, और जो इसका ये फैक्ट्री ओवर के अंतर्गत जो खर्चे हुए हैं वो कितने के हुए, 21,000 के। जब हमने इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो ये इनका टोटल कितना आ जाएगा, 82,000। ये 82,000 क्या आएगा, वर्क कास्ट। ठीक है, ये क्या निकल के आएगी, फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट निकल के आएगी, 82,000। अब हम चलते हैं ऑफिस ओवरहेड, ये ऑफिस ओवरहेड क्या है, जब ऑफिस ओवरहेड से संबंधित जो भी खर्चे किए जाते हैं वो ऑफिस ओवरहेड में होते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित जो भी खर्चे किए जाते हैं वो हम फैक्ट्री ओवरहेड में रखते हैं। अब ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन से खर्चे किए गए क्वेश्चन के आधार पर, सबसे पहले है ऑफिस सैलरीज, जो ऑफिस सैलरीज है वो कितनी है, ऑफिस सैलरी 7,500 रुपये, तो हमने ये लिख दिया 7,500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस कितना है, 1,000 रुपये। जो ये लीगल एक्सपेंसेस है इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तब जिन दोनों को जब हमने जोड़ा है तो यहाँ पे कितना आ गया, 8,500 रुपये। जो ये 8,500 आया है ऊपर है 82,000, तो 82,000 को 8,500 में हमने जोड़ दिया है, तो क्या आएगा इसका टोटल, 90,500। ये जो 90,500 आएगा ये क्या आएगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो हमारे पास तैयार माल है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 3,000 रुपये, हमने वो 3,000 रुपये यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 93,000, 93,500 रुपये आ जाएगा।
इसमें नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक से हम लेस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा लेस क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स, कितना है यहाँ पे अमाउंट 2000 रुपये, तो हमने इसको 2000 इसको लेस कर दिया। तो 93,500 में जब हम 2000 लेस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 91,500 आएगा। जो 91,500 आएगा ये आएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये हमारा कितना निकल के आ गया 91,500। तो क्वेश्चन के आधार पर तो हम इस तरह से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राजो मटेरियल सोचते हैं उसको हम दिखाते हैं, उससे संबंधित जो आइटम्स होते हैं वो हम दिखाते हैं, फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित जो खर्चे हैं वो दिखाते हैं, फिर ऑफिस ओवरहेड से संबंधित जो खर्चे हैं वो दिखाते हैं। तो इस तरह से कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाता है 91,500। तो ये कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंतर्गत इस तरह से अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है तो इस आधार पे हम इस तरह से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।